छह वकीलों की टीम पटियाला हाउस कोर्ट भेजी है। ये टीम पहुंच चुकी है पटियाला हाउस कोर्ट। बड़ी बात यह है कि ये जायजा लेगी वहां हालात का और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तब यह तय होगा कि ये कार्यवाही आगे कैसे बढ़ेगी। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा भी जुड़ गई हैं, जेएनयू में मौजूद हैं। श्रेया, ये सब कुछ कोर्ट में सब कुछ चल रहा है, पुलिस की नाकामी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उधर जेएनयू प्रशासन की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहा जा रहा है? बता दें आपको कि इस वक्त हम लोग जेएनयू गेट के बाहर हैं जहां पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है और यहां पर आयशा जो है विंग है वो फिलहाल अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देगा। उसका ये कहना है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसके बाद अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट देगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जेएनयू गेट के बाहर भी जितने भी राइट विंग के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। कन्हैया पर मारपीट हुई है कोर्ट में, क्या कहेंगे? यही कहना है कि जिस तरीके से उन लोगों ने साथ दिया है देशद्रोहों का, तो मारपीट से तो कुछ नहीं होने वाला। अगर उनको दिख रहा था पहले ही तो उनको रोकना चाहिए था ना, उनकी नजर में सब कुछ होने लग रहा है। ऊपर वो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनको सोचना चाहिए था इस बारे में। जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, देश के टुकड़े करने की बात की जा रही थी, जब कहां थे कन्हैया? कन्हैया को सोचना चाहिए था। क्या उनकी मारपीट का सपोर्ट करते हैं? क्या मारपीट का सपोर्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, पर जो उन्होंने करा उनको भी देखना चाहिए था और उन जो लोग वहां पहुंचे उनके सपोर्ट में कन्हैया के, उनको भी देखना चाहिए, उनको भी कानून पर विश्वास करना चाहिए, कानून के ऊपर विश्वास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एबीवीपी के कार्यकर्ता जो है उनका ये कहना है कि मारपीट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से देशद्रोह के नारे लगे हैं जेएनयू में वो सही नहीं है। शुक्रिया आपका श्रेया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ श्रेया मौजूद थी। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। प्रफुल, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही रोक कर कोर्ट रूम खाली करने को कहा है। लेकिन देखिए अभी ये जानकारी आई है और अभी भी अंदर की अगर बात करें तो अभी अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। कुछ रिपोर्टर्स के नाम जरूर गए हैं जो अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर अगर बात करें तो जो भी गेट से अंदर जाया जा सकता है पटियाला हाउस कोर्ट में, वहाँ पर इस समय जाने की मनाही है। बाहर पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ गई है, डीसीपी जो है इलाके की रेंज के तमाम एसीपी को यहाँ पर तैनात किया गया है, तो फिलहाल सुरक्षा की व्यवस्था के और बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर जब पत्थर यहाँ पर फेंका गया था मीडिया कर्मियों के बाद, तो फिलहाल अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन जो अंदर से खबरें आ रही हैं कि जिस बिल्डिंग में कन्हैया कुमार को पेश किया गया है वहाँ पर वकील इस समय मौजूद हैं हाथों में तिरंगा लिए, तो जो वकील सुबह के वक्त यहाँ पर जो दुगुट देखने को मिले थे हाथों में तिरंगा लेकर, वैसे ही इस समय झंडा लेकर वहाँ पर बिल्डिंग में मौजूद होने की खबर भी है। इस समय फिलहाल अंदर की तरफ भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और चारों तरफ जहाँ जहाँ मीडिया कर्मी खड़े हैं यहाँ पर भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, रस्से लगा दिए गए हैं ताकि मीडिया कर्मी इस एनक्लोजर के बाहर ना निकल सके। जी प्रफुल्ल, आगे भी अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि कार्यवाही को फौरन रोका जाए, कोर्ट रूम को खाली किया जाए। उधर गृह सचिव ने भी कहा है ये मामला बहुत गंभीर है और दिल्ली पुलिस से इस बाबत रिपोर्ट मांगी है। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजन, देखिए गृह सचिव से हमने इस बारे में सवाल पूछा कि कानून व्यवस्था की इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, और जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जारी किए गए थे तो उन्होंने कहा कि वो इस बाबत दिल्ली पुलिस कमिश्नर से खुद बात कर उनसे पूरी रिपोर्ट मांगेंगे कि आखिर चूक कैसे हुई। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये घटना हुई है कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद न सिर्फ
जो अंडर पुलिस की कस्टडी में एक्यूज है उसके ऊपर हमला किया गया, बल्कि मीडिया के ऊपर हमला किया गया है, तो निश्चित तौर पर इसे गृह मंत्रालय ने भी इस पर गंभीर रुख अख्तियार किया है और गृह सचिव का कहना है कि जल्द ही वो इस बारे में बात करने वाले हैं। शुक्रिया राजन आपका इस जानकारी के लिए। केंद्रीय गृह सचिव जिन्होंने इस मामले को गंभीर बताया है क्योंकि सुरक्षा में इससे एक बड़ी चूक कहा जा रहा है। वो रिजेंबलिंग था लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता। जो चौहान जिसकी फोटो अखबार में आ रही है मैंने कभी उसको देखा नहीं है। मैंने पुलिस ने बचाने की कोशिश की। तो ये पटियाला हाउस कोर्ट से भी लगातार जो जानकारी मिल रही है, चश्मदीद एक हैं जो कह रहे हैं कि बचाने की कोशिश की गई थी, इंदिरा जयसिंह वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कन्हैया कुमार पर हमला हुआ, पटियाला हाउस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इसे इतना गंभीर बताया कि चलती हुई कार्यवाही को रोकने की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट रूम को खाली कराया जाए। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। विजय, सवाल ये है यहाँ पर और बहुत सीधा सा कि आप देशभक्ति के नाम पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान करेंगे? बिल्कुल सही बात है कि अगर आप तिरंगा हाथ में लेते हैं या भारत माता या और वंदे मातरम आपकी जुबान पर रहता है और उसकी आड़ में अगर आप गुंडागिर्दी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना है। और कोर्ट को की नाराजगी सबसे बड़ी इस बात को लेकर है कि कोर्ट ने जब साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए थे कि कोर्ट के अंदर जो कन्हैया उसके परिवार के 5 सदस्य से ज़्यादा नहीं रहेंगे, जो इस मामले से संबंधित वकील हैं वही अंदर रहेंगे, यहाँ तक कि पत्रकारों के लिए भी पाबंदी लगाई गई थी कि 5 से ज़्यादा पत्रकार कोर्ट रूम में नहीं रहेंगे और 25 से ज़्यादा पत्रकार पूरे परिसर में नहीं रहेंगे, और पुलिस को भारी संख्या में वहाँ तैनाती की गई थी। पुलिस के सामने 2-3 दिन पहले का उदाहरण भी सामने था, पुलिस भारी संख्या में लाठी से लेकर अपने दूसरे कैनन तमाम चीज़ों को लेकर मौजूद थी। पुलिस को पता था कि किस रास्ते से कन्हैया को पेश किया जाना है, लेकिन उसके बावजूद अगर कन्हैया के साथ बदतमीजी या बदसलूकी होती है या वकीलों अपनी गुंडागर्दी पर उतरते हैं तो स्वाभाविक तौर पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अत्यधिक गंभीरता से लेते हुए, बहुत कम बार ऐसा होता है कि निचली अदालत की वो कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट रोक देने के लिए कहता है या कोर्ट रूम खाली करने के लिए कहता है, तो ये सख्त आदेश सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं। और गृह सचिव, जैसा कि आप हमारे बता रही थी कि गृह सचिव ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है और स्वाभाविक है कि जो पुलिस कमिश्नर है उनको जवाब देना पड़ेगा कि इतनी बड़ी चूक जो शांति व्यवस्था बनाए रखने की थी उसमें कैसे हो गई। यानी पुलिस पर बहुत गंभीर सवाल यहाँ पर उठते हैं विजय, कि आप 400 लोगों की, 400 पुलिस वालों की आप फौज लेकर वहां कर क्या रहे थे, और वकील, आप वकील कैसे पुलिस को असहाय कर सकते हैं? जी हाँ, ये सवाल उठते हैं। और कहीं ना कहीं पिछली बार जो वकीलों ने पत्रकारों की पिटाई की थी उसके बाद बीजेपी एक नेता ने भी जो कन्हैया के समर्थक आए थे उनकी पिटाई की थी, तब पुलिस खामोशी से एक तरह से मूक दर्शक बनकर देखती रही थी। ये सवाल मीडिया में भी लगातार उठते रहे हैं और अब जबकि मीडिया जबकि आज की तारीख में तो पुलिस को कम से कम और ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए थी और उसे मालूम होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के इतने सख्त आदेश हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों या निर्देशों की अवहेलना करना कहीं कहीं पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी अवहेलना करने के तहत सुप्रीम कोर्ट इसे ले सकता है, तो ऐसे में भी इतनी बड़ी चूक होना, स्वाभाविक रूप से पुलिस को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और गृह मंत्रालय भी कहीं ना कहीं कटघरे में आएगा। बिल्कुल, और इसके साथ ही विजय एक सवाल यहाँ पर यह भी उठेगा कि जब आपको पहले से पता था कि वहां पर सिर्फ 5 जो पत्रकार हैं उनको अंदर रहना है और कुछ वकील जो है उनको बाहर रहना, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होनी है, तो ये पहले से ही इंतजाम क्यों नहीं किए गए वकीलों को वहां से हटाने के? पुलिस ऐसे मूक दर्शक क्यों बनी रही? जो सवाल हैं यही सुप्रीम कोर्ट के भी मन में रहे होंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई रोकने के लिए कहा होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने 6 वरिष्ठ वकीलों की टीम भेजी है पटियाला हाउस कोर्ट में, उनसे भी वो संज्ञान लेगा कि आखिर कहां कैसे क्या चूक हुई, क्योंकि जब पत्रकारों के लिए पाबंदी, वकीलों के लिए कोर्ट रूम में रहने पर पाबंदी या उसमें कुछ शर्तें डाल देना, कन्हैया के परिवार के 5 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे ये शर्त डाल देना, पूरी परिसर में 25 से ज़्यादा पत्रकार नहीं रहेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर पुलिस के लिए कुछ काम आसान हो जाना चाहिए था कि वो शांति व्यवस्था बनाए रख सके, और जिस रास्ते से कन्हैया को पेश किया जा रहा है। विजय, इस वक्त कांग्रेस पार्टी की भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, शकील अहमद क्या कह रहे हैं सुनते हैं। सख्त रुख अपनाना चाहिए हम लोगों के हिसाब से, जो हमारे जनतंत्र के 3 मुख्य स्तंभ है उस पर न्यायपालिका है, और अगर न्यायपालिका के पास जाने पर भी कोई रोकता हो, कोई अगर न्यायपालिका में अपना अधिकार अपने हक के लिए जाता हो उसकी पिटाई होती हो, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और न्यायपालिका को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो
पटियाला कोर्ट के सामने आज एक फिर से मारपीट की है पत्रकारों के सामने, कुछ दिन पहले ओपी शर्मा ने भी कैमरे के सामने देखे गए नहीं, ये बहुत दुखद है और क्यों नहीं उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई हुई है ये दिल्ली पुलिस को और भारत सरकार के अधीन चूंकि दिल्ली पुलिस है उसको बताना चाहिए, जबकि तमाम फोटो छपे हैं, तमाम तस्वीरें आई हैं, मीडिया ने उसको दिखलाया है, न्यायालय को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की बातें हमारी जो संघीय व्यवस्था है, जो हमारे जनतंत्र का तीन स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अब अगर लोग सब तरफ से विधायिका से परेशान होते हैं, एग्जीक्यूटिव से, कार्यपालिका से परेशान होते हैं, तो अंतिम शरण के रूप में न्यायपालिका होती है और न्यायपालिका जाने पर भी अगर किसी के साथ मारपीट हो और किसी को जान का खतरा पैदा हो जाए न्यायपालिका जाने में, तो मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और न्यायपालिका को इसमें सख्त रुख अपनाना चाहिए। कन्हैया कुमार मामले पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि उन्होंने पूरी स्पीच सुनी है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लेकर देशद्रोह का मामला कन्हैया कुमार पर चले और जल्द से उनके लिए। देखिये, शत्रुघ्न सिन्हा जी के बारे में हम लोग हमेशा कहते रहे हैं कि शत्रुघ्न, कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आपने देखी, कांग्रेस पार्टी जो ये कह रही है कि इस मामले पर जो न्यायपालिका है उसे संज्ञान लेना चाहिए। और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताते हुए, शायद पहली बार हुआ होगा अदालती प्रक्रिया के इतिहास में कि पटियाला हाउस कोर्ट में चलती हुई कार्यवाही को रोका है, कोर्ट रूम को खाली करने के लिए कहा है। पेशी हो रही थी वहां कन्हैया कुमार की। हमारे साथ यहां स्टूडियो में प्रोफेसर रुद्राशीष चक्रवर्ती ड्यूटा मेंबर मौजूद हैं। रुद्राशीष जी, पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी क्योंकि ये गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि एक देशभक्ति और देशद्रोह की बात एक है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते देखिए मारपीट तक पहुंचती है और मामला इतना गंभीर होता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके गहरी चिंता जताता है। देखिए, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है कि जिस तरीके से ये मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। रणनीति ये दो लेवल में है, एक कि इस तरीके से उन्माद क्रिएट करके हिस्टेरिया बनाया जाए। आप सबको पता है इस साल 4-5 राज्यों में चुनाव होने हैं और अगले साल यूपी का चुनाव भी है, तो उसके पहले बिहार और दिल्ली में कड़ाड़ी हार के बाद भाजपा और उनके जितने साथी हैं, उनके जितने संघ के लोग हैं, वो आज इस तरीके का उन्माद सारे देश में क्रिएट करके, एक हिस्टेरिया करके, पोलराइज करके उसका पॉलिटिकल डिविडेंड लेना चाहती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आपके शिक्षा संस्थानों पर जो अटैक है, और इस अटैक का कारण ये है कि एक तो है कि कोई भी आप देखिए जिस तरीके के रोहित वेमुला प्रकरण के बाद भाजपा और उनके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनके जितने सदस्य दल हैं उनके ऊपर जिस तरीके का क्रिटिसिज्म आया जी, उससे डाइवर्ट करने की ये उनका एक षड्यंत्र था। आप कह रहे हैं कि एक पोलराइज करने की कोशिश और दूसरा आप कह रहे हैं शिक्षण संस्थानों पर संस्थानों को खत्म करने की साजिश ताकि मार्केट फोर्स। इस पर हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे, तो ये जो आपके मुद्दे हैं इनको हम उठाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि देशभक्ति के नाम पर कोर्ट का अपमान क्यों किया जा रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट जो ये कहती है कि आप सुरक्षा प्रदान करें, जो कहती है कि चाक चौबंद रहे सुरक्षा, उसे धता बताते हुए अगर वकील अपने हाथ में कानून लेते हुए इस तरह धज्जियां उड़ाते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, तो सवाल ये उठता है कि पेशी के समय कन्हैया की सुरक्षा क्यों नहीं हुई, जो पुलिस का काम था वो क्यों नहीं हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे निर्देश दिए थे, जिसके लिए 400 पुलिस वाले आपने लगाए थे, वो सब नाकाम क्यों रहा, पेशी के समय कन्हैया की सुरक्षा क्यों नहीं हुई। एबीपी न्यूज का ये सवाल अपने आप में गंभीर हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी सवाल को देखते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में चलती कार्यवाही को रोका है, कोर्ट रूम को खाली कराने को कहा है। दूसरा अहम सवाल आपके सामने ये कि कन्हैया पर हमला करने का हक वकीलों को क्यों, ये हक वकीलों को किसने दिया, झंडे लेकर वंदे मातरम की बात करके आप कानून कैसे तोड़ सकते हैं, जो काम कोर्ट करेगा उस पर वकील अपना फैसला कैसे सुना सकते हैं। दो दिन पहले जो हमला हुआ उस पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, वकीलों का हौसला इसलिए बड़ा। तीसरा अहम सवाल, हंगामा मारपीट करने वालों को आपने खुला क्यों छोड़ा, ओपी शर्मा बीजेपी के विधायक कैमरे पर मारपीट करते हुए दिखाई दिए, आपने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया, उसका नतीजा ये हौसले बुलंद हुए और आज फिर हमने देखा कि कन्हैया कुमार जिसे सुरक्षा देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही वहां पुलिस असहाय दिखाई दी। ये देखिए दो तस्वीरें दो दिन पहले की, बीजेपी विधायक
और वकील विक्रम चौहान जिनकी करीबी बीजेपी नेताओं से उनके फेसबुक की जो तस्वीरें हैं वो बयान करती हैं, और ओपी शर्मा बीजेपी विधायक जो आत्मरक्षा की बात करके बुरी तरह से सीपीआई के कार्यकर्ता को पीट रहे थे, उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें अफसोस है उनके पास बंदूक नहीं थी वरना वो उसका भी इस्तेमाल करते। जनप्रतिनिधि हमारे विधायक अगर ये जो कैमरे में कैद हुए इन पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और दो दिन बाद ये तस्वीर आपके सामने आ रही है जहां कन्हैया कुमार पर होता है हमला, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, पटियाला हाउस कोर्ट की कार्यवाही को रोकना पड़ता है, कोर्ट रूम को खाली कराने की मांग, छह वरिष्ठ वकीलों की टीम को भेजा गया है वहां पर, और एआईएसएफ के कार्यकर्ता प्रमोद को किस तरह से पीटा गया है आज उसकी भी जरा तस्वीरें आप देखिए। आपको बता दें उस दिन अमीक को पीटा गया था, आपको याद होगा अमीक जावाई, ओपी शर्मा जो कि विधायक हैं बीजेपी के, पीटते हुए वो तस्वीरें सामने आई थी, और ये देखिए आज एक और कार्यकर्ता सीपीआई के, ये देखिए किस तरह से लात घूस से चलाकर बुरी तरह से इस शख्स को पीटा जा रहा है। अब सवाल ये है कि इस देश में कानून है या नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से आप किसी भी शख्स को पीटना शुरू कर दें, कि आप कानून अपने हाथ में यूं ले सकते हैं। दो दिन पहले बिल्कुल इसी तरह की तस्वीरें सामने आई जिन पर कार्रवाई, वो वकील कानून हाथ में ले रहे हैं जो कानून का सहारा। What needs to be done, but the court expressed its alarm at what is happening and therefore they directed that the hearing of Kanhaiya's bail matter should be adjourned till the atmosphere can be normalized, till the situation can be normalized. Sir, what you exactly mentioned in Supreme Court today? No, I said that I have received reports that a very serious incident again has taken place where again some lawyers have attacked some journalists, some other people as well as, and later we learned that even Kanhaiya Kumar had been attacked. So therefore the court said that yes, it's a very serious situation and therefore they have sent a team of senior lawyers who are appointed as court commissioners to immediately go and report back. They have already gone there. They should be coming back in a short while. एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, परसों और आज एक ही तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, बुरी तरह से मारपिटाई की तस्वीरें, वकीलों ने अपने हाथ में कानून लिया। सवाल यह है कि देशभक्ति के नाम पर कोर्ट का अपमान आप कैसे कर सकते हैं।